तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा पोल्टरगाइस्ट मूवी को। ये एक कल्ट क्लासिक हॉरर मूवी है। ये मूवी 1982 में रिलीज़ हुई थी। अगर आज आप इस फिल्म को देखेंगे तो ये मूवी आज आपको उतना नहीं डरा पाएगी, लेकिन इसकी कहानी काफ़ी यूनिक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक फैमिली को देखते हैं। इस आदमी का नाम स्टीवन था और इसकी वाइफ का नाम डायना था। इनके तीन बच्चे थे, डायना, रॉबी और कैरल। स्टीवन एक रियल एस्टेट डेवलपर था जहाँ वो अपने काम में काफ़ी माहिर था, और डायना एक हाउसवाइफ थी। वो लोग क्वेस्टावर्ड इस्टेट में रहते थे। तो एक रात इनकी फैमिली की सबसे छोटी लड़की कैरोल घर में रखे टीवी से बातें करने लगती है, जबकि टीवी पे सिर्फ स्टैटिक आ रहा था। परिवार वालों को लगता है कि कैरोल स्लीपवॉक कर रही है, लेकिन इसकी अगली रात कैरोल वापस टीवी के सामने बैठी हुई थी और अचानक टीवी के अंदर से एक हाथ बाहर आता है। इसके बाद ये फिगर पूरे कमरे में फैल जाता है। ऐसा होते ही घर में बड़ा सा अर्थक्वेक आता है। जब ये अर्थक्वेक रुकता है तो कैरोल एकदम से बोलती है, दे आर हियर। इसके अगले ही दिन ये फैमिली ब्रेकफास्ट टेबल पर रखती, तब एक गिलास अपने आप ही टूट जाता है। टेबल पर रखे चम्मच मुड़ जाते हैं और कैरोल वापस टीवी के स्टैटिक को देखने लगती। घर का कुत्ता छत की ओर देखकर भौंक रहा था और घर में रखे चेयर बार बार अपनी पोजीशन बदल रहे थे। ये सब डायना को काफी अजीब लगता है। इस बारे में वो कैरोल को पूछती है। कैरोल का कहना था कि ये काम टीवी पीपल का है जो पिछले रात टीवी से बाहर आ गए हैं। अब ये सब अजीब घटनाएं बढ़ती जाती है और उसी दिन शाम को डायना डिस्कवर करती है कि किचन की एक पर्टिकुलर स्पॉट पर अगर किसी चीज को रखा जाए तो वो चीज अपने आप ही मूव करती है। इस सब को देख के स्टीवन भी शॉक में था, लेकिन वो इसका साइंटिफिक रीजन खोज रहा था। फिर उसी रात हम देखते हैं कि घर के बैकयार्ड में एक पेड़ जीवित होता है और ये पेड़ रॉबी को उठा लेता है। स्टीवन अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये पेड़ रॉबी को निगलने की कोशिश कर रहा था। चारों तरफ तूफान आ जाता है और कैरोल के कबड़े से एक इनविजिबल फोर्स कैरोल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। स्टीवन किसी तरह रॉबी को तो बचा लेता है, लेकिन इतनी देर में कैरोल अपने कबड़ के अंदर खींच कर गायब हो जाती है। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि कैरोल की कबड़ में किसी तरह का पोर्टल ओपन हो गया है जिसने कैरोल को अपने अंदर खींच लिया है। उसके बाद ये फैमिली कैरोल को हर जगह ढूंढने लगती है। तभी रॉबी और डायना को कैरोल की आवाज़ टीवी के अंदर से आती है। ऐसा लग रहा था कि कैरोल उस पोर्टल की वजह से किसी दूसरे डायमेंशन में पहुंच गई है और उस डायमेंशन से कैरोल की आवाज़ एक पर्टिकुलर टीवी चैनल पे आ रही थी। इस सारी घटनाओं को देखकर स्टीवन समझ जाता है कि ये सारी सुपरनेचुरल घटनाएं हैं। इसलिए वो पुलिस को इन्फॉर्म करने की बजाय पैरासाइकोलॉजिस्ट से मिलता है। इन पैरासाइकोलॉजिस्ट के नाम थे डॉक्टर लिश, रायन और मार्टी। ये लोग फौरन स्टीवन के घर में आते हैं जहाँ इन्हें कैरोल के रूम में चीजें अपने आप ही उड़ते हुए दिखती है। डॉक्टर लिश शॉक हो जाती है। उन्हें लगता है कि ये सब पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी है। डायना उन्हें टीवी पे अपनी बेटी कैरोल की आवाज सुनाती है जहाँ कैरोल इनसे मदद मांग रही थी, और कैरोल का कहना था कि उसे एक लाइट सोर्स दिख रही है जिससे वो काफी डरी हुई है। इसी बीच घर के लिविंग हॉल में एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिससे कुछ सामान जमीन पे आके गिरता है। इस घर की अजीब घटनाएं बढ़ती जाती है, जैसे कि किसी इनविजिबल फोर्स से चीजें अपने आप ही पुल हो रही थी। मार्टी के शरीर पे किसी अनजान शक्ति के काटने के निशान आ गए थे। कुछ टाइम बाद मार्टी को अपना चेहरा सड़ता हुआ भी दिखता है, लेकिन जल्दी उसे समझ आ जाता है कि ये उसका वहम है। और कैरोल के कमरे से इन लोगों को एक अजीब सी लाइट निकलती हुई दिखती है जो कि किसी ह्यूमन शेप का आकार ले रही थी, और लिविंग रूम के अंदर आकर गायब हो जाती है। डॉक्टर लेस समझ जाती है कि इस घर में एक नहीं बल्कि कई पोल्टरगाइस्ट मौजूद है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने साथ एक स्पिरिचुअल मीडियम को लेकर आएगी। तो अगले दिन स्टीवन के बॉस मिलने आते हैं, क्योंकि स्टीवन कई दिनों से ऑफिस नहीं गया था। और अपने बॉस से बातचीत के दौरान स्टीवन को पता चलता है कि क्वेस्टावर्ड स्टेट एक शमशान के ऊपर बनाया गया है और बिल्डर ने शमशान को कहीं और शिफ्ट कर दिया है। इस बात से स्टीवन काफी नाराज होता है। वो अपने दोनों बच्चों को रिलेटिव के यहाँ पर भेज देता है, क्योंकि आज की रात ये लोग स्पिरिचुअल मीडियम की मदद से कैरोल को वापस लाने वाले थे। तो रात होती है और डॉक्टर लेस अपने साथ टेंजिना बैरोंस नामक औरत को लाती है जो कि एक स्पिरिचुअल मीडियम थी। घर में आती ही टेंजिना अजीब चीजें महसूस करती है और वो कैरोल के कमरे में भी जाती है और वहाँ की जांच करती है। टेंजिना बताती है कि कैरोल अभी जिंदा है और इसी घर के अंदर है। टेंजिना का मानना था कि कोई भी इंसान मरता नहीं है बल्कि आत्मा शरीर को छोड़ के लाइट की तरफ जाती है।
जिसके थ्रू आत्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाती है, लेकिन कुछ आत्माएं लाइट सोर्स की तरफ जाते हुए भटक जाती है और दोनों वर्ल्ड के बीच में फंस जाती है। और कैरल भी वही है, ये आत्माएं कैरल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है क्योंकि कैरल के अंदर लाइफ फोर्स है। हालांकि वहाँ की सारी आत्माएं बुरी नहीं होती, लेकिन वहाँ पे एक डार्क एनर्जी भी है जिसे हम लोग बिस्ट बुला सकते हैं, और इसी बिस्ट ने कैरल को अपने पास रखा हुआ है। अब टेंजिना इन लोगों को टेनिस बॉल, रेड रिबिन, हैंकरचीफ ऐसी कुछ चीजें लाने को बोलती है। रायन इन टेनिस बॉल पे नंबर लिख रहा था। टेंजिना बताती है कि कैरल के पास जाने का रास्ता उसी कबर्ड से है, और वहां से बाहर निकलने का रास्ता लिविंग रूम वाला पोर्टल है। इसलिए वो डायना को कैरल से बातें करने को बोलती है, और डायना कैरल को लाइट की तरफ जाने को बोलती है। ऐसा करने से बाकी की आत्माएं भी कैरल के पीछे लाइट की तरफ जाने लगेंगी, जिससे वो अपनी दुनिया में चली जाएगी। फिर टेंजिना कबर्ड वाले पोर्टल में टेनिस बॉल फेंकती है, और ये टेनिस बॉल लिविंग रूम वाले पोर्टल से बाहर आती है, यानी कि उनकी थ्योरी सही थी। इसलिए डायना अपने कमर पर एक रस्सी बांधकर उस पोर्टल के अंदर अपनी बेटी कैरल को बचाने के लिए चली जाती है। लिविंग रूम में रायन और डॉक्टर लैश उस रस्सी को खींच रहे थे, और कैरल के रूम में स्टीवन और टेंजिना इस रस्सी को पकड़े हुए थे। थोड़ी देर में हम लोग बिस्ट को भी देख पाते हैं, जो कि स्टीवन पे अटैक करने की कोशिश करता है, और इतने में डायना अपनी बेटी कैरल को लेके लिविंग रूम वाले पोर्टल से बाहर आती है और नीचे गिर जाती है। ये दोनों चिपचिपे पदार्थ में लिपटे हुए थे, और स्टीवन जल्दी से इन लोगों को बाथटब में डाल देता है। जल्दी दोनों होश में आ जाते हैं। टेंजिना कहती है कि स्टीवन का घर आत्माओं के चंगुल से बाहर है। इन इंसिडेंट के बाद ये लोग यहाँ से कहीं और शिफ्ट होने का डिसाइड करते हैं। और अजीब बात ये थी कि कैरल को इन घटनाओं के बारे में कुछ भी याद नहीं था। डायना के कुछ बाल सफेद हो गए थे। ये लोग सारा सामान पैक करके रख रहे थे, और अगले दिन ये लोग यहाँ से जाने वाले थे। लेकिन इसी रात हम लोग डायना को हवा में उड़ते हुए देखते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि बीस्ट अभी तक यहाँ से गया नहीं है। रॉबी की डॉल उस पर अटैक करती है, और कैरल के कमरे में एक बार फिर वो पोर्टल ओपन होता है। डायना किसी तरह अपने बच्चों के कमरे में जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहाँ पर एक अजीब सी भूतिया आकृति रोक लेती है और उसे अंदर जाने नहीं देती। फिर वो मदद मांगने के लिए बाहर जाती है। घर के बाहर डायना फिसल के स्विमिंग पूल में गिर जाती है। उस पूल के अंदर बहुत सारे कंकाल बाहर निकलने लगते हैं, और वहाँ पे काफी सारे कब्र भी बाहर निकल रही थी। तभी वहाँ पे डायना के पड़ोसी आते हैं और उसे बचा के बाहर निकालते हैं। पुल से बाहर निकलते ही डायना फौरन ही अपने बच्चों को बचाने के लिए घर के अंदर वापस भागती है। कैरल के रूम के अंदर एक अजीब सी चीज खुल गई थी, जो कि किसी मॉन्स्टर के मुंह की तरह लग रही थी, और ये पोर्टल बच्चों को अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। डायना किसी तरह अपने दोनों बच्चों को कमरे से बाहर निकालती है, और एंड वक्त पर वापस स्टीवन भी आता है। घर में हर जगह से कंकाल और कब्र बाहर निकल रहे थे, और इन सब घटनाओं के दौरान स्टीवन को पता चलता है कि उनके बॉस ने जब यहाँ पे कब्रिस्तान को हटवाया था तो सिर्फ ऊपर के हेडस्टोन को हटाया था, यानी कि इस कब्रिस्तान की सारी डेड बॉडीज यहीं पर थी, और वही कब्र अब बाहर निकल रहे थे। स्टीवन फौरन अपने फैमिली के साथ कार में बैठकर यहाँ से भागता है, और हम लोग देख पाते हैं कि स्टीवन का पूरा घर उस पोर्टल के अंदर समा जाता है। ये परिवार वहाँ से दूर एक होटल में रुकता है। स्टीवन वहाँ की टीवी को रूम से बाहर रखता है, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर इस मूवी को आपको शॉर्ट में समझना है तो क्वेस्टावर्ड इस्टेट जहाँ पर बना था वहाँ पे पहले एक कब्रिस्तान था, और बिल्डर ने इस जगह की कब्रों को हटाने की बजाय सिर्फ ऊपर के हिस्से को हटाया था, जिस वजह से इस जगह पर काफ़ी आत्माओं का वास था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें। थैंक यू।